हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा कि हमारे देश में जो सेनाएं हैं उनमें कई सारी रेजिमेंट बनी हुई हैं और इनमें से बहुत सी रेजिमेंट का नाम जो है जातियों पर है। जैसे मैं बात करूं मराठा रेजिमेंट, जैसे जाट रेजिमेंट, जैसे सिख रेजिमेंट, जैसे मद्रास रेजिमेंट, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, तो इस तरह की कई रेजिमेंट्स जो हैं हमारी सेनाओं में हैं और ये जाति के आधार पर बनी हुई हैं। आज जाति के आधार पर नहीं है, लेकिन इनके जो नाम है वो जाति के आधार पर ही हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये दरअसल जो है अंग्रेज़ों ने किया था, और अंग्रेज़ों ने इसको किया था 1857 की विद्रोह के बाद। तो 1857 का जो विद्रोह था वो सेना ने किया था, और अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई विद्रोह भविष्य में हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय सेना को डिवाइड करने का काम किया, और ये नए नए रेजिमेंट्स जो आए वो उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण ही आए। तो उन्होंने जो है इस तरह की जातियों के नाम पर जो है रेजिमेंट बना दी। अब इससे उनको ये फ़ायदा हुआ, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बात करूं, मराठा रेजिमेंट अगर बनती है तो क्या होता है कि जो गैर मराठी लोग हैं वो सेना में नहीं जाएंगे, और उनको ये फील होगा कि अगर हम जाते भी हैं तो हमारे ऊपर जो है मराठी लोग ही हमेशा बैठे रहेंगे और गैर मराठी जो है हमेशा नीचे रहेगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो सेना में कम लोग जाएंगे, और जाएंगे भी तो अगर कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना होगा तो उसमें लोगों का कॉपरेशन नहीं मिलेगा, और कोई भी बिना कॉपरेशन वाला विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाता। इसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने कई सारी जातियों के आधार पर जो है सेना में रेजिमेंट बना दी, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और इस तरह की कई और रेजिमेंट। हालांकि अब जब देश आज़ाद हो चुका है तो ये नाम बदल जाने चाहिए थे, अच्छा होता अगर बदल देते, लेकिन अब जो है जाति वाली बात नहीं रह गई है, जो है सिर्फ नाम तक ही सीमित है। तो भले ही राजपूताना रेजिमेंट है पर उसमें कोई भी जाता है, भले ही सिख रेजिमेंट है पर उसमें गैर सिख भी जाते हैं, भले ही मराठा रेजिमेंट है लेकिन उसमें गैर मराठी लोग भी जाते हैं। तो अब जो है जाति वाली बात नहीं है, लेकिन नाम इनके जो जाति के आधार पे हैं वो अंग्रेज़ों ने किए थे, हमारे बनाए हुए नहीं हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि ये सिस्टम बदल जाना चाहिए था लेकिन नहीं बदला गया। तो ये रही मेरी जाति वाली बात। आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी दिन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।